मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम उद्देश्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोगों ने शिवाजी के बारे में अध्ययन कर लिया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में अप्रैल, हाँ 20 अप्रैल 1600, हाँ वो अलग अलग डेट है तो अप्रैल ध्यान रखना, 1627। और मृत्यु कब हुई थी? 1680 अप्रैल में ही मृत्यु हुई थी, 13 अप्रैल 1680 को। अब उनकी मृत्यु के बाद जो है, जितना देखो, जरूरी नहीं कि पिता अगर बहुत योग्य है तो उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा योग्य हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो इनके पुत्र थे, शिवाजी के पुत्र थे, उनका क्या नाम था? दो पुत्र थे और हाँ, शिवाजी के सबसे बड़े बेटे का नाम था संभाजी। हाँ, एक संभाजी थे, संभाजी की माता का क्या नाम था? साईबाई। साईबाई इनकी माता थी, ठीक है। और शिवाजी के दूसरे जो पत्नी थी कौन, सोयराबाई दूसरी पत्नी थी, इनका पुत्र था राजा राम। इनका पुत्र कौन था? राजा राम। तो दो बेटे थे, संभाजी और राजा राम, ठीक। राजा राम छोटे थे और बड़े कौन थे? संभाजी। राजा राम हालांकि बढ़िया व्यक्ति थे, लेकिन संभाजी क्या थे, ये विलासी टाइप के व्यक्ति थे। ये जो है भोग विलास में ज़्यादा विश्वास करते थे और बहुत क्रोधी और कामी व्यक्ति थे। लेकिन चूंकि बड़े पुत्र थे तो राजा तो इन्हीं को बनना है, लेकिन लायक तो इनको करते थे राजा राम को, लेकिन बड़े होने की वजह से संभाजी को राजगद्दी मिलती है। अब देखो, हमने ये देखा था कि भारत में जो है अभी इन्होंने सतारा को अपनी वो रायगढ़ को क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी और ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे लगभग जीत लिया था। यहाँ तक शिवाजी का साम्राज्य, शिवाजी ने जो अपने दम पर बहुत सारे किले, लगभग 250 किले विजित किए थे, और सबसे दक्षिणतम जो क्षेत्र था उनका जिंजी था। क्या था? जिंजी था, ठीक है। कर्नाटक का क्षेत्र उस समय के कर्नाटक का क्षेत्र क्या था? जिंजी। तो जिंजी इन्होंने जीता था। जिंजी भी कुछ समय तक राजधानी रहती है, रायगढ़ तो प्रारंभिक राजधानी थी। अब इस रायगढ़ वाले क्षेत्र से जो है शासन सत्ता पर कौन बैठता है? इनका पुत्र संभाजी, ठीक है। तो हम लोग संभाजी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इनके उत्तराधिकारियों के बारे में शिवाजी के अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अध्ययन करेंगे हम लोग जो है शिवाजी का प्रशासन। जो संभाजी थे, मैंने जैसा कि बताया, संभाजी थोड़ा सा विलासी व्यक्ति थे और ये शिवाजी के साथ ही मुगल दरबार जाते हैं और वहाँ इन्हें भी कैद कर लिया जाता है। शिवाजी के साथ में ही मुगल दरबार में इन्हें कैद कर लिया जाता है और 1666 ईस्वी में शिवाजी वहाँ से भागने में सफल होते हैं। मुगल दरबार जो जयपुर महल में, कहाँ पर कैद किया गया था? आगरा के जयपुर महल में। तो वहाँ से शिवाजी भागते हैं और संभाजी भी बाद में कैद से रिहा कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके, और संभाजी को 5000 का मनसब देता है। 5000 ही मनसब किसको दिया जाता है? संभाजी को। कौन देता है? औरंगजेब। 5000 का मनसब प्रदान करता है संभाजी को, ठीक। तो संभाजी जो है 1680 में राजा बनते हैं, छत्रपति बनते हैं और 1689 तक जो है ये रहते हैं राजा, 1679 तक, 1689 तक ये क्या रहते हैं? राजा रहते हैं संभाजी, ठीक। और संभाजी का एक पुत्र था साहू, संभाजी का एक पुत्र था साहू। संभाजी जो है विलासी टाइप के व्यक्ति थे और इन्होंने रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि शिवाजी के बाद दूसरी जो राजधानी थी रायगढ़ में थी, तो रायगढ़ को ही राजधानी किसने बनाया? संभाजी ने, ठीक। संभाजी एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि औरंगजेब का बेटा एक था अकबर, औरंगजेब का बेटा क्या था? अकबर। अकबर महान शासक था, तो उसी के खानदान का एक जो है दूसरा अकबर था जो औरंगजेब का पुत्र था। हम लोग मुगल साम्राज्य में तीन अकबर का अध्ययन करते हैं, दो तो शासक हुए हैं, एक महान अकबर हुआ था जो हुमायूं का बेटा था और एक अकबर हुआ है जो शाह आलम द्वितीय का बेटा था। शाह आलम द्वितीय का
बेटा था जो उत्तर मुगल शासन काल में राजा बनता है। और उसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि उसी समय राजा राम मोहन राय थे, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन देता है, तो अकबर द्वितीय देता है। ये अकबर द्वितीय इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये अकबर राजा नहीं बना था। ये अकबर औरंगजेब के शासनकाल में ही क्या हो जाता है, मर जाता है। और चूंकि ये विद्रोही प्रवृत्ति का था, पहले ये विद्रोह करते हुए जो है सिख सरदार के पास जाता है, सिख सरदार के पास जो है शरण में जाता है, फिर वहाँ से विद्रोह करते हुए किसके पास आता है, जो है मुगल मराठों के पास आता है। और मराठों में इस समय संभाजी क्या थे, शासक थे, संभाजी शासक थे। तो 1789 ईस्वी में 1689 ईस्वी में जो है जब अकबर भाग करके किसके पास आता है, संभाजी के पास, तो संभाजी इसको शरण दे देते हैं। अगर कूटनीतिक व्यक्ति होता, ये तो विलासी व्यक्ति था, इसने भाव में आकर के, ये नहीं जानता था कि औरंगजेब पूरे भारत का सम्राट है और उसके घर से विद्रोह किए हुए व्यक्ति को अगर हम, क्योंकि इसके पहले अगर ये समझता कि हमारे पूर्वजों ने भी इस तरीके से जो है कई लोगों को शरण दिया था, कई मुग़ल जो है जैसे सलीम ने विद्रोह किया था, तो सलीम ने विद्रोह किया था, सलीम विद्रोह करके जब जाता है शरण में, नमस्ते, तो सलीम किसके पास गया था विद्रोह करके, संभाजी नहीं, सलीम की बात कर रहा हूँ मैं, मुगल सम्राट सलीम, जब सलीम विद्रोह करता है तो सलीम विद्रोह करके किसके शरण में जाता है, फिर उसे भी जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये अगर इतिहास समझता, संभाजी अगर इतिहास को समझ रहे होते कि हमारे पूर्वज जो है मुगलों के विद्रोहियों के शरण में जब गए तो उन लोगों ने उन्हें भी मृत्युदंड दिया था, मौत के घाट उतारा था, तो क्योंकि इतना सशक्त तो था नहीं संभाजी कि औरंगजेब से जो है टक्कर ले लेता। तो जब अकबर इनके यहाँ भाग कर आता है तो ये जो है नाराज़ हो जाता है, कौन, औरंगजेब, और कहता है तुमको हम सबक सिखाएंगे। तो सबक सिखाने के लिए इसका एक मंत्री रहता है जो इसका सलाहकार और जो है मंत्री भी रहता है, उसका नाम था आपका, क्या नाम है यार, नाम ही ना आज थोड़ा सा, कवि कलश, इसका जो एक मंत्री था कवि कलश, क्या नाम था, कवि कलश, किसका मंत्री, संभाजी का, संभाजी का सलाहकार भी था और मंत्री भी था कवि कलश। तो कवि कलश के साथ में जो है ये संगमेश्वर में पकड़ा जाता है, कहाँ पर, संगमेश्वर, संगमेश्वर एक स्थान है जो मराठा क्षेत्र में है, संगमेश्वर में दोनों पकड़े जाते हैं, कौन, कवि कलश और संभाजी, मुगल सेना पकड़ लेती है किसको, संगमेश्वर में कवि कलश को और संभाजी को पकड़ लेती है। फिर इसको क्या करते हैं, मतलब जिंदा इसका खाल चमड़ी उधड़वा देते हैं और उस चमड़ी में भूस भर के चौराहे में लटका दिया जाता है संभाजी के, ठीक है। तो ऐसे करके इसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है एक गलती से, क्यों, क्योंकि इसने अकबर को क्या दिया था, शरण दिया था, तो अकबर को शरण दिया था तो इसलिए जो है इसको जिंदा जो है इसकी खाल को उतरवा करके उसमें भूस उस भरवा करके चौराहे पे लटका दिया जाता है। तो यहाँ पर राय जो है इनका खेल ख़त्म हो जाता है, किसका, संभाजी का। इन्होंने एक ऐतिहासिक गलती की थी अकबर को शरण दे करके, विद्रोही बेटे अकबर को शरण दे करके। और चूँकि अब यहाँ क्यों आया था, क्योंकि अकबर को पता था कि औरंगजेब जो है परेशान था शिवाजी से, शिवाजी के वंशज भी जो है इनको परेशान करेंगे औरंगजेब को, इसलिए तो शरण में आया था कि हमको संभाजी शरण दे देंगे। लेकिन संभाजी इतने शक्तिशाली नहीं थे, अगर शिवाजी के काल में आया होता अकबर तो शिवाजी टक्कर लेते, शिवाजी इस तरीके से जो है औरंगजेब नहीं, हाँ औरंगजेब उसको परास्त नहीं कर पाता, शिवाजी को नहीं परास्त कर पाते, लेकिन संभाजी चूँकि विलासी व्यक्ति थे जब आए होंगे तो ये नाच गाने मस्त रहा, पकड़ लिया गया संगमेश्वर में, और पकड़ लिया गया तो वहाँ पे जो है इसको मार दिया गया। तो इस तरीके से इसकी हत्या हो जाती है संभाजी की, और संभाजी की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद में चूँकि शिवाजी के हालांकि साहू अब गद्दी पर बैठना चाहिए, क्योंकि पिता का पुत्र ही तो गद्दी पर बैठेगा, तो साहू बैठना चाहिए, लेकिन साहू 7 वर्ष का था, और दूसरी बात इस समय साहू को कैद कर लिया गया, मुगल शासक जो है क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। पहले तो साहू को रायगढ़ में कैद करके रखा जाता है, फिर कुछ समय बाद में साहू को मुगल दरबार में बुला लिया जाता है, वहाँ पर कैद खाने में रखा जाता है। तो साहू लंबे समय तक मुगलों के कैद में रहते हैं, तो साहू अल्पवयस्क थे, 7 वर्ष थे, और दूसरी बात मुगल के कैद में चले गए। तो मुगल के कैद में चले जाने के बाद तब मराठे लोग अब शासक सत्ता किसको संभालते हैं, राजा राम को। तो इस तरीके से जो है शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम अब क्या बनते हैं,
छत्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं? छत्रपति। तो इनके उत्तराधिकारी में दो बेटे शासन करते हैं बारी बारी से शिवाजी के, पहला बेटा संभाजी और दूसरा बेटा राजा राम। राजा राम जो कि सोयराबाई का पुत्र था। इनकी दूसरी पत्नी, शिवाजी की दूसरी पत्नी जो थी सोयराबाई, सोयराबाई का राजा राम पुत्र था। और जो है सोयराबाई की शादी कब होती है शिवाजी से? जब वो जो है अपना क्या कराते हैं, राज्याभिषेक, अपना राज्याभिषेक कराते हैं शिवाजी, तो सोयराबाई से शादी होती है ना, मैंने बताया दूसरी शादी की थी। और एक तीसरी शादी पुतलीबाई से हुई थी, और पुतलीबाई 1680 ईस्वी में सती हो गई थी। ठीक, तो सोयराबाई का पुत्र कौन था? राजा राम। और राजा राम की एक बहुत योग्य पत्नी थी जिसका नाम था ताराबाई। ताराबाई जो है राजा राम की कौन थी? पत्नी थी, ये योग्य पत्नी थी। और राजा राम का ही एक पुत्र था शिवाजी, राजा राम का ही एक पुत्र कौन था? शिवाजी। देखो पिताजी का भी नाम शिवाजी और बेटे का भी नाम शिवाजी, लेकिन शिवाजी अब पहले एक हो चुके हैं तो ये दूसरे शिवाजी होंगे, तो इनको शिवाजी द्वितीय कहा गया, इनको शिवाजी द्वितीय कहा गया। उधर हमने देखा संभाजी के बेटे क्या नाम था? साहू जी। संभाजी के बेटे क्या नाम था? साहू जी। और राजा राम के बेटे का नाम शिवाजी। तो राजा राम गद्दी पर बैठते हैं 1689 में, और 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1689 से लेकर के 1700 तक ये गद्दी पर बैठते हैं, कौन? राजा राम। तो राजा राम ये मुगलों से जो है मुगलों की ताकत को समझते हैं, मुगलों की ताकत को समझते हैं, तो ये अपनी राजधानी रायगढ़ से कहाँ उठा ले जाते हैं? जिंजी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया जिंजी है जो कि उस समय के कर्नाटक क्षेत्र में था, जिंजी। ठीक है, तो अपनी राजधानी राजा राम कहाँ पहले ले जाते हैं? जिंजी। पहले तो रायगढ़ थी, यहाँ पर रायगढ़ थी, रायगढ़ में राजधानी दो लोगों के समय में रही, शिवाजी ने इसको राजधानी अपनी बनाई थी, और संभाजी भी यहीं से शासन करते थे, कहाँ से? रायगढ़ से। लेकिन देखा था कि मुगल के क्षेत्र में ये नज़दीक है रायगढ़, मुगल यहाँ तक आसानी से आ जाते हैं, तो फिर राजा राम ने अपनी चालाकी दिखाई और अपना शासन सत्ता कहाँ स्थापित किया? जिंजी में। जिंजी को अपनी राजधानी बनाई, जो शिवाजी के समय जिंजी दक्षिण जो है मराठा साम्राज्य की क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। तो जिंजी को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन जिंजी काफ़ी दूर पड़ जाता था क्योंकि मराठा साम्राज्य तो ये था ना, और जिंजी जो है उनका जीता हुआ एक अलग से क्षेत्र था, जीता हुआ एक अलग से क्षेत्र था। तो उस अलग से क्षेत्र में बैठ करके शासन करना और यहाँ से मराठा साम्राज्य को संभालना जो है इतना अच्छा नहीं था। तो कुछ समय बाद ही जिंजी से ये अपनी राजधानी सतारा ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? सतारा ले आते हैं। तो सतारा अब इनकी राजधानी हो गई। जिंजी कुछ समय के लिए ही रहती है, लेकिन यहाँ पर बैठ करके शासन संभालना जो है राजा राम के लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुख्य भूमि से अलग थे। मुख्य भूमि तो मराठा की यहाँ है, और यहाँ से काफ़ी दूर दक्षिण में बैठ करके जिंजी से शासन कर रहे थे। तो सतारा अपनी राजधानी ले आते हैं। तो इस तरीके से पहली राजधानी हमने देखा रायगढ़, फिर दूसरी जिंजी, जिंजी के बाद में फिर कहाँ आ गए? सतारा में आ गए। तो इस तरीके से राजधानी परिवर्तित हुई, और राजा राम के समय ही राजधानी कहाँ आ जाती है? सतारा में। अब ये 1700 में जो है राजा राम की मृत्यु हो जाती है, 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है, और उनका बेटा शिवाजी द्वितीय 4 वर्ष का था इस समय। कितने वर्ष का था? 4 वर्ष का था। और उधर साहू जी कहाँ थे? मुगल के कैद में थे। साहू जी मुगल के कैद में। तो जो मराठा क्षेत्र के जो मंत्री थे, मंत्री परिषद जो मराठा संघ के थे, मंत्री लोग थे, उसमें उन मंत्रियों ने मिल करके मंत्रणा की कि शिवाजी जो अल्प वयस्क हैं, 4 वर्ष हैं, इनको हम क्या बनाएंगे? मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनाएंगे, महाराज बनाएंगे। लेकिन चूंकि ये अल्प वयस्क है, 4 वर्ष का बच्चा जो है गोद में लेकर खिलाया जाएगा कि वो गद्दी बैठ के राजा बनेगा, शासन करेगा, बोलना तो जानता नहीं, मम्मी मम्मी करता रहता रहा होगा। तो ताराबाई जो कि योग्य पत्नी थी किसकी? राजा राम की। तो ताराबाई को संरक्षिका बनाया जाता है। ताराबाई को क्या बनाया जाता है? संरक्षिका। तो ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी का क्या किया जाता है? ताजपोशी की जाती है, और मुख्य रूप से शासन सत्ता कौन संभालती है? ताराबाई। तो ताराबाई 1700 में जो है गद्दी पर बैठती है, अपने बेटे को गोद में लेकर के बैठी। आपने वो देखा ना, कौन सी मूवी आई थी जिसमें वो कटप्पा वाला, क्या नाम है उस मूवी का? बाहुबली। बाहुबली में जो है उसकी जो क्या नाम है, एक महारानी थी जो माहिष्मती की महारानी, क्या नाम है उसका, जो शिवगामिनी देवी, हाँ शिवगामिनी देवी। तो वो देखो कुछ समय तक गद्दी पर बैठती है बेटे को लेकर गोद पर ना, गोद में लेकर के। दो बेटे रहते हैं ना, एक जो है बाहुबली और दूसरा बल्लाल देव,
तो उसी तरीके से जो है छोटे बेटे को लेकर, मतलब अपने बेटे को लेकर, 4 वर्ष के बेटे लेकर के ताराबाई जो है गद्दी पर बैठती है, शासन सत्ता संभालती है। तो 1700 लेकर के 1707 तक जो है ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी जो अल्पवयस्क थे, शासन थे, शासन सत्ता पर बैठते हैं, लेकिन ताराबाई ही जो है गद्दी संभालती हैं, ताराबाई ही संरक्षण में शासन चलता है। तो 1707 तक चलता है, लेकिन इसी दौरान अब ये इसने काफ़ी मराठों से काफ़ी जो है लोहा लिया। ये ताराबाई जो है भारतीय इतिहास में एक जो है तारा की तरीके से उभरती हुई जो है एक तरीके से रानी थी। इसने जो है मुग़ल सत्ता को काफ़ी परेशान किया। इसने पुनः जो है पुना को जीत लिया और पुनः जो है जितने क्षेत्र बाद में संभाजी के समय में जितने क्षेत्र मुग़लों ने फिर से छीन लिए थे, जिन क्षेत्रों को जीता था उसको दोबारा फिर से ताराबाई ने वापस हथिया लिया। मुग़ल से जीत करके ताराबाई ने पुराने क्षेत्र जो थे, जो साहू संभाजी के समय में मुग़लों के क्षेत्र में चले गए थे मुग़लों के कब्जे में, उसे वापस ले लेती। कौन? ताराबाई। तो ताराबाई एक अच्छी सेनापति भी थी, लेकिन ये सतारा में बैठ करके 1700 लेकर के 1707 तक तो गद्दी बैठती है, लेकिन उधर 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब चला जाता है कहाँ? परलोक, नरक में। औरंगजेब परलोक सिधार जाता है 1707 ईस्वी में। अब इसका बेटा साहेब खबर कौन? मोज़म जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम। अब इसको साहेब खबर कहा गया है ना, साहेब खबर। इसको पता ही नहीं था कि हमारी जो है सल्तनत कहाँ तक है। अब साहेब खबर जल्दी से जब राजा बनते हैं 1707 में, कहते हैं सहुआ कहाँ है, ढूंढ। सहुआ को ढूंढा जाता है तो साहू पता चलता है कि वो हमारे ही कैद खाने में है, मुग़ल दरबार में ही कैद बना हुआ है। कहते हैं ये जो है बहुत परेशान किया शिवाजी और शिवाजी के वंशजों ने मुग़लों को, तो कहता है चलो अब एक खेल खेलते हैं जो है बिल्ली और जो है बंदर का। तो साहू जी को छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ तुम चले जाओ कहाँ? सतारा, महाराष्ट्र चले जाओ, मराठा साम्राज्य में चले जाओ। और वहाँ जब जाएगा तो अब ये चूँकि अब वयस्क तो है नहीं, अल्पवयस्क तो है नहीं, बड़ा हो गया है। कौन? साहू। 1707 ईस्वी में जो है बड़ा हो गया है, तो वहाँ जा करके अपनी चाची से क्या करेगा? युद्ध करेगा। तो ये जानबूझ करके साहेब खबर ने साहू को रिहा कर दिया। जानबूझ करके साहू को किसने रिहा कर दिया? साहेब खबर ने, मुअज्जम ने। क्योंकि मतलब वास्तव में गद्दी का हकदार कौन था? साहू ही तो था, क्योंकि साहू के पिता संभाजी राजा थे और संभाजी के बाद साहू जी को ही तो बनना था। लेकिन साहू जी महाराज कहाँ चले जाते हैं? जो है मुग़ल दरबार के कैद में हो जाते हैं। तो इसीलिए तो जो है राजा राम को गद्दी दी जाती है। भाई इसी पे तो महाभारत हुआ है, पूरा महाभारत जो हुआ है भाई, जो है जब उस क्या नाम है कौरव जो थे उनके पिता जो अंधे थे, तो उनको जो है गद्दी इसलिए दे दी गई थी कि पांडव के पिता जो है जल्दी समय से बीमार होकर के मर गए थे। लेकिन ये हुआ था कि पांडव के पुत्र जब योग्य हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो उनको गद्दी दी जाएगी। लेकिन अंधा गद्दी बैठ गया, वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब अंधे के बच्चे तैयार हो गए, तो इसीलिए तो महाभारत हो गया। तो ऐसे ही महाभारत यहाँ भी हुआ। अब यहाँ पर महाभारत कराने के लिए कौन था? साहेब खबर। साहेब खबर ने साहू जी महाराज को छोड़ दिया, कहा सतारा जाओ और गृह युद्ध गृह क्लश करो, घर में ही चाची से लड़ाई करो। तो सतारा आता है, चाची से कहता है गद्दी छोड़ो, मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा। तो अब ताराबाई योग्य शासिका थी, ऐसे तो गद्दी से उतरने वाली नहीं है। तो यहाँ पर खेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खेड़ा का युद्ध। तो ये याद रखना, कौन सा युद्ध होता है? खेड़ा का युद्ध। 1707 ईस्वी में युद्ध होता है। तो खेड़ा के मैदान में ताराबाई के सैनिक और इधर जो है जो अभी जो मराठा लोग थे, जो मराठा मंत्री थे, मंत्रिपरिषद थे, वो तो साहू जी के पक्ष में ही थे। वो लोग साहू जी को ही महाराज बनाना चाहते थे, क्योंकि साहू जी ही एक्चुअल हकदार थे मंत्री बनने के और राजा बनने के। लेकिन ताराबाई गद्दी छोड़ नहीं रही थी, तो इनकी जो सेना थी, राष्ट्रीय सेना थी कुछ, वो किसके पक्ष में आ गई? साहू जी के। तो साहू जी के पक्ष में राष्ट्रीय सेना कुछ आ गई, किसके नेतृत्व में? बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में। उस समय बालाजी विश्वनाथ एक जो है एक तरीके से सेनापति ही था। बालाजी विश्वनाथ जो है उस समय एक सैन्य की टुकड़ी का सेनापति था, किसके? जो है ताराबाई के। तो बालाजी विश्वनाथ जो है सहयोग करते हैं किसका? साहू जी का। और युद्ध होता है खेड़ा का। तो खेड़ा के युद्ध किनके बीच में होता है? ताराबाई और साहू के बीच में। और साहू का सहयोग कौन करते हैं? बालाजी विश्वनाथ।
बालाजी विश्वनाथ साहू जी का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से खेड़ा का युद्ध कौन जीत लेता है, साहू। साहू जो है खेड़ा का युद्ध जीत जाता है। अब साहू खेड़ा का युद्ध जीत जाता है तो 1708 ईस्वी में साहू जो है सतारा में गद्दी पर बैठते हैं। साहू कहाँ बैठते हैं, सतारा की जो है गद्दी पर कौन बैठता है, साहू। तो साहू जी अब यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं और साहू जी का कार्यकाल होता है 1708 से लेकर के 1749 तक। 1708 से लेकर 1749 तक लंबे समय तक ये गद्दी पर बैठते हैं, 40-42 साल तक सत्ता पर बैठते हैं। अब साहू जी गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठने के साथ अपने विश्वसनीय व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ को सेनापति बनाते हैं। बालाजी विश्वनाथ को सेनापति अपना बनाते हैं, शरणोबत बनाते हैं, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ को अपना शरणोबत बनाते हैं, सेनापति बनाते हैं, ठीक है। तो सेनापति 1708 में बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। फिर बाद में साहू जी कहते हैं हम जो है अब हमारी ढल रही उम्र, तो अब बालाजी विश्वनाथ तुमको अपना बनाता हूँ क्या, पेशवा, तुमको अपना बनाता हूँ पेशवा। तो 1713 ईस्वी में पेशवा बनाते हैं, किसको, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं। तो ये हालांकि पेशवा तो पहले से ही रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रशासन चर्चा करेंगे तो पेशवा बनाए जाते थे लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं होते थे। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, राजा का जो प्रधानमंत्री होता था वो क्या कहलाता था, पेशवा। तो पेशवा यहाँ से बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा थे जिन्होंने साहू जी के समय में इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया, क्योंकि साहू जी का सहयोग किया था और ये शक्तिशाली व्यक्ति थे। ये एक जो है विद्वान, प्रकांड विद्वान जो है ब्राह्मण थे बालाजी विश्वनाथ। तो इन्होंने जो है दोबारा जो है मराठा साम्राज्य को पुनर्संगठित किया। अभी मराठा साम्राज्य जो है बिखर गया था शिवाजी के मरने के बाद में, इतना जो है योग्य शासक नहीं आए ताराबाई को छोड़ करके, बाकी तो मराठा साम्राज्य बिखरने लगा था, बिखरने लगा था, क्योंकि मुगल शक्तिशाली थे अभी भी। तो इस वजह से जो है बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनते ही इन्होंने क्या किया, मराठा साम्राज्य को व्यवस्थित किया। तो 1713 से लेकर 1720 तक जो है बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा रहते हैं। हम लोग पेशवा के बारे में अलग से जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है साहू जी महाराज जो है इस तरीके से ये शासन सत्ता सतारा पर संभालते हैं, सतारा में जो है गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर चाची जी को थोड़ा सा रियायत दे दी जाती है। चाची युद्ध में मारी थोड़े नहीं जाती, कौन, चाची ताराबाई। तो ताराबाई को बोला जाता है, जो मराठा संघ है वो कहता है ठीक है जो है तुम भी खुश रहो तो तुम चले जाओ कहाँ पर, कोल्हापुर। कहाँ चले जाओ, कोल्हापुर, कोल्हापुर में चले जाओ। और सतारा में जो है शासन सत्ता संभाला किसने, साहू ने। और कोल्हापुर में शासन सत्ता संभालती हैं कौन, ताराबाई। और ताराबाई के पूर्वज जो है, मतलब ताराबाई के पूर्वज के, ताराबाई के आने वाली पीढ़ी जो है 1750 ईस्वी तक यहाँ पर शासन सत्ता संभालती है, कहाँ पर, कोल्हापुर से। तो अब मराठा साम्राज्य जो है दो हिस्सों में बट करके जो है शासन चल रहा था। सतारा में साहू जी बैठे थे और कोल्हापुर में जो है राजा राम के वंशज थे। कोल्हापुर में किसके वंशज थे, राजा राम। और सतारा में किसके वंशज थे, संभाजी के, ठीक है, याद रखना। सतारा में संभाजी के वंशज शासन करते रहे और कोल्हापुर में जो है राजा राम या ताराबाई के वंशज शासन करते रहे 1750 ईस्वी तक। 1750 ईस्वी में पेशवा के नेतृत्व में एक जो है संधि होती है और उस संधि के तहत अब जो है पूरी तरीके से ये क्या नाम है, छत्रपति की गद्दी को समाप्त कर दिया जाता है और सारा साम्राज्य किसके अधीन आ जाता है, पेशवाओं के अधीन आ जाता है। तो पेशवा एक छत्र हो जाते हैं और पूरा मराठा साम्राज्य धीरे धीरे करके ऐसे, यहाँ पर कटक है और पाकिस्तान बॉर्डर और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटक है। तो कटक से लेकर अटक तक इस तरीके से पेशवा का साम्राज्य फैल जाता है। पेशवा इस समय में काफ़ी लंबा साम्राज्य हो जाता है। अब इस लंबे इसकी मतलब पेशवाओं के जो है लालच की वजह से ही बाद में यहाँ पर इसी अफगानिस्तान में उस समय जो है अहमद शाह अब्दाली का शासन था। अब जब तुम अहमद शाह अब्दाली जैसे धूर्त व्यक्ति के जो है बाउंड्री तक पहुंच जाओगे जीतते हुए, तो फिर अहमद शाह अब्दाली जो भारत में कई बार आक्रमण कर चुका था, 1748 से शुरू किया था ना अहमद शाह के समय, जब मुगल सम्राट कौन था, अहमद शाह था। तो 1748 से 1761 तक लगभग 7 बार भारत में आक्रमण करता है। तो 1761 ईस्वी में पेशवाओं के साथ में मराठा साम्राज्य के साथ में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली का। तो हम लोग ये पेशवाई पढ़ेंगे, तो पेशवाई में हम लोग जो है पानीपत का तृतीय युद्ध भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे मराठा और अंग्रेजों के बीच में किस तरीके से संघर्ष होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनके जो है क्या देखे, और राजा वो साहू शिवाजी के जो है वंशज, शिवाजी के वंशज एक बार इनको हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर शिवाजी का प्रशासन देखते हैं। शिवाजी के बाद कौन शासक बना,
शिवाजी के बाद में संभाजी, संभाजी, संभाजी इनके पुत्र थे, और संभाजी के बाद दूसरा बेटा इनका राजा राम, संभाजी के बाद दूसरा बेटा इनका राजा राम, राजा राम के बाद में ताराबाई, राजा राम के बाद में कौन, ताराबाई, ताराबाई किसकी संरक्षिका बनी, शिवाजी द्वितीय की, ताराबाई किसकी संरक्षिका बनी, शिवाजी द्वितीय की, और इसके बाद में कौन आ जाता है, साहू, इसके बाद में साहू आ जाता है जो कि संभाजी का बेटा था, और साहू जो है 1749 तक क्या रहता है, गद्दी पर रहता है। तो इस तरीके से इनका कालक्रम याद रखना है, शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम, राजा राम के बाद ताराबाई जो कि शिवाजी द्वितीय के जो है संरक्षण में कार्य करती हैं, और उसके बाद में साहू जी। ठीक, अब हम लोग प्रशासन की चर्चा करेंगे, किसकी, जो है मराठा साम्राज्य की, मराठा क्या खास करके शिवाजी ने जो प्रशासन बनाया था, तो शिवाजी के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो प्रशासन में, अब चूंकि शिवाजी ज़्यादातर उन्होंने स्थिर होकर के शासन नहीं किया था, शिवाजी ने मोस्टली स्थिर होकर के शासन नहीं किया था, इनके जो साम्राज्य की सीमा थी वो कई जगह से खंडित थी, कई जगह से खंडित थी, जगह जगह इन्होंने क्या किया था, क्षेत्रों को जीत लिया, जैसे यहाँ दक्षिण में जिंजी को जीता था ना, दक्षिण में जिंजी को, जो मराठा साम्राज्य के मुख्य भूमि से अलग थी। अब इनका जो मराठा साम्राज्य था इस तरीके से था, इस तरीके से पतला पतला ऐसे जो है, इधर कन्नड़ वाला क्षेत्र जीत लिया था, कनारा वाला क्षेत्र जीत लिया था, ठीक, और यहाँ पर जो है आपका रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इनके जो है प्रशासन को हम, इनके जो प्रशासन की जो क्षेत्र है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो इनके प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे जिनको स्वराज कहा गया, क्या कहा गया, स्वराज, स्वराज जो है कहा गया प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले, और कुछ क्षेत्र जो मुगलों के अधीन थे लेकिन उनके किलों को जीता था कि नहीं, तभी तो 250 किले जीते थे लगभग, तो मुगलों के अधीन वाले अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले इनके क्या थे, क्षेत्र थे। तो दो भागों में इनके राज्य को बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले और अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले। प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले को स्वराज कहा गया। अब यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में एक्चुअली जो है जो मुखिया होते हैं गांव वगैरह में या क्षेत्र वगैरह में, तो उनको सरदेश मुख कहते हैं, क्या कहते हैं, सरदेश मुख, ठीक है। तो सरदेश मुख जो है, क्योंकि जहां से शासन सत्ता जिस क्षेत्र में चलाया जा रहा है उस क्षेत्र की संरक्षा के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए हमको टैक्स चाहिए, क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो इन्होंने जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में इनके क्षेत्र थे वहां से क्या लेते थे, सरदेश मुखी लेते थे, सरदेश मुखी नाम का एक टैक्स लेते थे, सरदेश मुखी नाम का एक टैक्स इसलिए लेते थे कि तुम्हारे क्षेत्र में हम सड़कें बनवाएंगे, मतलब अपने ही साम्राज्य में सब कुछ करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा जो है कल्याण करेंगे। तो ये आय का 10% होता था, कितना परसेंट होता था, आय का 10%, 1/10। तो सरदेश मुखी लेते थे प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र से, और दूसरा था अप्रत्यक्ष, बहुत सारे किले जीत लिए थे लेकिन जीत करके वहां से संपत्ति ले आए और उनको बोले दोबारा तुम्हारे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन तुमको उसके बदले हमको क्या देना पड़ेगा, चौथ देना पड़ेगा, और अगर कोई विदेशी आक्रमण करता है तो हम तुम्हारी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ शासन किसका रहेगा, जो तुम्हारे राजा हैं, अगर मुगल हैं तो मुगल शासन करेंगे, लेकिन हम तुमको जीत लिए हैं तो तुमको हम छुट्टा छोड़ देते हैं, और लेकिन तुमको हमें क्या देना पड़ेगा, चौथ देना पड़ेगा, तुमको क्या देना पड़ेगा, चौथ, चौथ का मतलब होता है चौथा हिस्सा, चौथ का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो 1/4 हिस्सा जो है, चौथाई हिस्सा क्या लिया गया, यहाँ पर टैक्स लिया गया। अब 1/4 का मतलब हो गया 25%, 25% टैक्स किस रूप में लिया गया, चौथ के रूप में लिया गया, जो आय का, जो मान लो किसी की आय 100 रुपये है तो उससे कितना चौथ लिया जाएगा, 25 रुपये। तो 1/4 हिस्सा चौथ लिया गया, किस लिए लिया, यहाँ से प्रश्न आया है, IAS में आया हुआ प्रश्न है कि जो है चौथ मराठा साम्राज्य में शिवाजी के समय में चौथ और सरदेश मुखी दोनों स्टेटमेंट दिया था, उल्टा सीधा दे दिया, जो चौथ वाला था वो सरदेश मुखी में लिख दिया, सरदेश मुखी वाला चौथ में लिख दिया। तो चौथ एक्चुअली क्या था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण में, यानी जीते हुए क्षेत्र पे शासन नहीं कर रहे थे, लेकिन इसलिए चौथ लिया जा रहा था कि तुम्हारे यहाँ दोबारा हम आक्रमण नहीं करेंगे, और दूसरी बात विदेशी आक्रमणकारी कोई आता है तो उससे हम तुम्हारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमको देना पड़ेगा 25% टैक्स, और उस टैक्स को कहा गया चौथ। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र से क्या लिया गया, चौथ लिया गया, कौन लेता था, शिवाजी महाराज। तो चौथ और सरदेश मुखी ये दो प्रकार के क्या थे, टैक्स थे, कर थे, जो कि लिया जाता था कहाँ से, मराठा साम्राज्य में, ठीक। तो इस तरीके से दो प्रशासन के यहाँ पर दो जो है क्षेत्र देखने को मिलते हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले जो शिवाजी के नियंत्रण में थे, और दूसरा अप्रत्यक्ष नियंत्रण में। और इसके अलावा अगर इनके जो है सैन्य प्रशासन की बात करें, सेना की,
सैन्य प्रशासन, देखो प्रशासन में हम लोग सैन्य न्याय सब कुछ अध्ययन करते ना, तो सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य प्रशासन भी इनका बढ़िया था। इन्होंने जो है फोर्ट बनाए, फोर्ट जीते, तो इनका किला एक महत्वपूर्ण जो है प्रशासन का अंग था। लगभग 250 किले, 240, 250 किले इनके नियंत्रण में थे शिवाजी के। और यहाँ पर जो देख रेख करने वाला होता था वो क्या कहलाता था? फौजदार। किले को नियंत्रित करने वाला, किले को देख रहा, किलेदार जो होता था वो क्या कहलाता था? फौजदार। और इसके अलावा इनके समय में जो है अश्व सेना थी। क्या थी? अश्व सेना थी, घोड़े की सेना थी, ठीक है। घोड़े की सेना को पागा कहा गया है, ये याद रखना। क्या कहा गया है? पागा। घोड़े की सेना को पागा कहा गया है। अब घोड़े की सेना दो प्रकार से भर्ती होते थे, दो प्रकार से भर्ती होते थे, ठीक है। एक होता था आपका बर्गीर, एक होता था बर्गीर और दूसरा होता था सिलेदार। दूसरा होता था सिलेदार या सिलेदार, दूसरा होता था सिलेदार। बर्गीर जो होते थे, बर्गीर क्या होते थे? ये जो है सरकारी सैनिक होते थे जिनको स्थायी रूप से सेना में भर्ती कर लिया जाता था और राजकीय पैसे से उनको चलाया जाता था। जैसे अभी भारत, अभी भारत की बात करें, जैसे अभी अब इसी तरीके से हमको लगता है शिवाजी का प्रशासन पढ़ लिया है मोदी जी ने, तभी तो इन्होंने जो है अग्निमित्रों की भर्ती की है। अग्निमित्र या अग्निवीर? अग्निवीरों की भर्ती की। किसकी भर्ती की? अग्निवीर। तो सिलेदार अग्निवीर टाइप के हैं। आज के जो अग्निवीर हैं वो क्या थे उस समय? सिलेदार होते थे। यानी ठेके पे भर्ती होती थी इनकी, ठेकेदार, ठेके पे भर्ती होती थी किसकी, तो वो सिलेदार कहलाते थे। अर्थात ये स्थाई नहीं, स्थाई सैनिक नहीं होते थे, ठेके पर भर्ती किए जाते थे, तो वो कहलाते थे सिलेदार। तो आप देखो ऐसे हम लोग मतलब IAS में पढ़ने का मतलब है आप चारों तरफ दिमाग जो है खुला करके रखो, आज की परिस्थिति और पहले की परिस्थिति से जोड़ते चलो। अब इतिहास पढ़ के आया होगा कोई इनका जो है व्यक्ति, इस तरीके से शिवाजी का प्रशासन पढ़ा होगा और आ करके कहा होगा कि सिलेदार उस समय चल रहा था और सिलेदार में ठेकेदारी व्यवस्था थी, तो चलो हम लोग जो है अग्निवीर शुरू कर देते हैं, चार चार साल के लिए भर्ती करते हैं, अस्थायी भर्ती, और यहाँ पर ठेके वाली भर्ती शुरू होगी। तो सेना दो प्रकार की थी, अश्व सेना बर्गीर और सिलेदार, ठीक। और इसी प्रकार से इनके पास पैदल सेना थी, इनके पास पैदल सेना थी। पैदल सेना जो थी उसको पाइक कहते थे। क्या कहते थे? पाइक कहते थे। तो ये याद रखना, यहाँ से ये प्रश्न आता है पागा किसको कहते हैं, पाइक किसको? पागा, पागल नहीं, पागा। पागा किससे संबंधित है? अश्व सेना से, घोड़ा सेना से। और पैदल सेना को क्या कहते थे? पाइक कहते थे। और इसके अलावा इनके पास जल सेना भी थी, इनके पास में जल सेना भी थी। लगभग 400 नावों का बेड़ा था इनके पास में, 400 नावों का बेड़ा था। और इस वाले क्षेत्र में इन्होंने जो है बंदरगाह बनाए थे, जो है नौसैनिक अड्डे बनाए थे, नौसैनिक शक्ति के अड्डे बनाए थे, जैसे कि आपका भिवंडी हो गया, ठीक है, कल्याणी हो गया, इन सब क्षेत्रों पे इन्होंने क्या बनाए थे? जल शक्ति के अड्डे बनाए थे, नौसैनिक के अड्डे बनाए थे, कल्याणी, भिवंडी यहाँ पर। तो इस तरीके से इनके पास सैन्य प्रशासन भी अच्छा था, यानी कि जल शक्ति भी थी, अश्व सेना भी थी, पैदल सेना भी थी, और इन्हीं की सहायता से ये छापामार युद्ध किया करते थे, अश्व सेना के साथ, पैदल सेना के साथ छापामार युद्ध किया करते थे। और इसके अलावा इनके प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, अष्टप्रधान। इनका मंत्रिपरिषद जो था उसको क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। प्रश्न आता है अष्टप्रधान कौन थे? तो शिवाजी के कौन थे? आठ मंत्री थे। शिवाजी के मंत्रिपरिषद के ताकतवर आठ मंत्री क्या कहलाते थे? अष्टप्रधान। तो ये मंत्रिपरिषद थी शिवाजी की जिसको अष्टप्रधान कहते थे। इसमें सबसे प्रमुख पेशवा होता था। कौन होता था? पेशवा, जो प्रधानमंत्री होता था। अब इसमें आठों के नाम देखते हैं कौन कौन। पेशवा होता था, और इसके अलावा अमात्य होता था जो कि वित्त मंत्री होता था। अमात्य कौन होता था? वित्त मंत्री होता था। इसके अलावा दबीर सुमंत या दबीर, सुमंत या दबीर, जो कि कौन सा मंत्री होता था? ये विदेश के मामले देखता था, जिस तरीके से आज के विदेश मंत्री होते हैं। तो उस समय विदेश मंत्री क्या कहलाते थे? सुमंत या दबीर कहलाते थे। यहाँ से प्रश्न आता है, मिलान करने के लिए आ जाएगा, दे देगा अमात्य सुमंत और एक तरफ दे देगा जो है वित्त और जो है विदेश मामले दे देगा, फिर कहेगा मिलान करो, ठीक। तो मिलान पेशवा दे देगा, प्रधानमंत्री पेशवा हो गया, अमात्य क्या हो गया? वित्त मंत्री हो गया, वित्त मंत्रालय को देखता था। सुमंत और दबीर किस मामले को देखता था? विदेशी मामलों को देखता था, विदेशी यानी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेश में जाने वाले जो दूत हैं या कुछ भी जो भेज रहे हैं उस समय संबंध बनाने के लिए, तो कौन जाता था? सुमंत या दबीर। और चौथा हो गया जो है आपका एक न्यायाधीश होता था, हालांकि मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? राजा ही होता था, शिवाजी होता था, लेकिन अब सबको न्याय देने में भाई साम्राज्य बड़ा है, अब सब जगह तो राजा पहुंच नहीं पाएगा, तो न्यायाधीश होते थे इसके जो है राष्ट्र प्रधान में। और इसके अलावा पांचवा होता सर ने नौबत, सर ये नौबत क्या होता था? सर ये नौबत, ये क्या, ये कौन सी वाला है? ये सेनापति होता था,
सर नौबत क्या होता था, सेनापति होता था। तो सर नौबत सेनापति को क्या कहा गया है मराठा प्रशासन में, सेनापति, सेनापति को सर ए नौबत कहा गया है। इसके अलावा चिटनीस होता था, कौन होता था, चिटनीस, चिटनीस नाम ही है चिटनीस, चिट मतलब चिट्ठी लिखने वाला, चिट्ठी से बना है चिटनीस। तो पत्र व्यवहार का कार्यक्रम पत्र व्यवहार विभाग कौन देखता था, चिटनीस देखता था। और इसके अलावा सातवें नंबर पर वाकिया नवीस कौन था, वाकिया नवीस था, वाकिया नवीस जो है ये गृह मंत्रालय देखता था, गृह विभाग देखता था, और इसके अलावा गुप्तचर विभाग देखता था। तो गुप्तचर विभाग और गृह मंत्रालय कौन देखता था, वाकिया नवीस। और एक आठवां कौन बचा है, अंतिम बचा है कौन सा, एक हो गया पंडित राव, महत्वपूर्ण एक पंडित राव, आठवां बचा है पंडित राव। पंडित राव ये जो है राजा को धार्मिक सलाहकार देने, सलाह देने वाला, मंत्रणा देने वाला एक मंत्री था पंडित राव। तो इस तरीके से अष्ट प्रधान थे, ये क्या थे, अष्ट प्रधान थे, आठ प्रमुख मंत्रियों का एक समूह था जिसको क्या कहा गया, अष्ट प्रधान। और अष्ट जो है तेलुगु कवि होते थे, किसके समय में, कृष्णदेव राय के समय में, आठ विद्वानों की तेलुगु कवियों का एक समूह था, ये सब ध्यान रखना है आपको। और नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में, तो ये सब हमको ध्यान रखना है। तो ये अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे, शिवाजी के। और अष्ट प्रधान कौन थे, आठ कवियों का समूह था ना, आठ कवियों का समूह था, क्या था, आठ मंत्रियों का समूह था। यहीं पे उलझाएगा प्रश्न, ऐसे पूछ देगा, अष्ट प्रधान आठ कवियों का समूह था, और जो है नवरत्न नौ जो है नौ विद्वानों का समूह था। अब कहेगा निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो पहला वाला गलत हो गया ना, अष्ट प्रधान आठ कवियों का समूह नहीं था, अष्ट प्रधान क्या था, आठ मंत्रियों का समूह था, और किसके समय में, शिवाजी के समय में। तो इस तरीके से इनका जो है कुछ प्रशासन था। इसके अलावा राजस्व प्रशासन भी देखते हैं, ये तो हो गया अष्ट प्रधान प्रशासन, अष्ट प्रधान। और इसके अलावा राजस्व प्रशासन की बात करें तो राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने जो है भूमि की पैमाइश कराई थी। एक मंत्री थे उनका नाम था अन्नाजी दत्ता, अन्नाजी दत्ता या दत्तो, ठीक है, अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में इन्होंने भूमि की पैमाइश कराई थी। जिस तरीके से भूमि की पैमाइश जो है अकबर टोडरमल के नियंत्रण में भूमि की पैमाइश कराई थी, अकबर ने भी कराई, शेरशाह सूरी ने भी कराई थी, और टोडरमल अकबर का नवरत्न था, और अकबर का नवरत्न था, क्या ना, तो शेरशाह सूरी ने भी कराई थी, और बाद में टोडरमल को अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ का जो शिवाजी का टोडरमल कौन था, अन्नाजी दत्तो। तो प्रश्न अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है शिवाजी का टोडरमल कौन था, अन्नाजी दत्तो, क्योंकि भूमि की विस्तृत पैमाइश करवाई थी किसने, शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के सहायता से। क्यों करवाई थी, क्योंकि भूमि पर हमको कर निर्धारित करना है, कौन सी उपजाऊ ज़मीन है कौन सी गैर उपजाऊ ज़मीन है, तो ये सब जब निर्धारित हो जाएगी तभी तो उस पर कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनके कर का मुख्य जो है मुख्य कर की प्रणाली थी, दो कर थे मुख्य रूप से, एक तो था जो है आपका चौथ, एक क्या था चौथ, और दूसरा था सरदेशमुखी, दूसरा क्या था सरदेशमुखी, ठीक है। तो ये कर आपको याद रखना है, चौथ और सरदेशमुखी किसके टैक्स प्रणाली थे, ये शिवाजी के टैक्स प्रणाली के मुख्य भाग थे, कौन, चौथ और सरदेशमुखी। तो इस तरीके से इनके जो है ये प्रशासन से संबंधित कुछ बातें हो गई, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग जो है जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा, अभी तो ये हमने शिवाजी के बारे में अध्ययन किया और शिवाजी के उत्तराधिकारी और उसके प्रशासन का अध्ययन किया, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो किस पर होगा, पेशवाओं पर। अब हम लोग पेशवाओं का उत्कर्ष देखेंगे कि किस तरीके से पेशवा जो है मराठा प्रशासन को विस्तृत करते हैं, और इसके बाद में इसी दौरान पानीपत का तीसरा युद्ध होता है पेशवाओं के समय में ही, अहमद शाह अब्दाली के साथ में, और इसके अलावा अंग्रेज़ों के साथ में तीन मुख्य जो है एंग्लो मराठा वार होते हैं, युद्ध होते हैं, और लास्ट में 1817-18 में मराठों को भी पूरी तरीके से हरा करके अंग्रेज़ अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो इस तरीके से बारी बारी से निगलते जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ड्रैगन है चाइना का, खाता जा रहा है, बंगाल को खाया, फिर हमने देखा मैसूर को खाया, अब मराठों को खाएंगे, सबको खा करके फिर अंग्रेज़ पूरे भारत पर शासन करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।